हेलो बच्चों नमस्कार, मैं आज आपके बीच में आया हूँ और कुछ एक्टिविटीज कराऊंगा आपको, किस तरह से हम खेल के साथ साथ कुछ दिमाग के लिए भी काम कर सकते हैं। तो किसी चीज को करने से पहले ना वार्म अप करते हैं, वार्म अप मतलब शरीर को गर्म करना। तो वो आप हाथ घुमा के कर सकते हैं ऐसे आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ कान को छूते हुए, और फिर साइड में कर सकते हैं जंप करते हुए, उसके बाद में आगे पीछे, आगे साइड में आगे, ठीक है, ये आप मिक्स कर सकते हैं। तीसरा ट्विस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये है, अब मैं तैयार हो गया हूँ, ठीक है। तो हम ड्रिल्स करेंगे 3-4, आपको बताता हूँ किस तरह से। आपने पढ़ाई की होगी, आप ध्यान देना मैं क्या क्या चीजें ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ पेन और कॉपी और साथ में स्लेट। पहला करके बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम दिमाग और शरीर दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। नीचे जाना है, यहाँ आपने लिखा ओ, ऊपर उठना है और अपने ऊंचाई के वहां पर यहाँ इंग्लिश में लिखा ए, ए लिख दिया। फिर नीचे जाना है आपको उसी तरह से, उसके लिए आप दरी बिछा सकते हैं आ, फिर हाथ का सहारा लेके ऊपर उठे और यहाँ लिखा आपने बी। तो ये था आपका पहला। अब उसके बाद दूसरे एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी नंबर 2, बॉटल्स ले रहा हूं मैं साइड में रखी। आप अपने घरों में ग्लास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। नीचे बैठना है, पैर लंबे, यहां से उठाया 1 2, दाई तरफ से उठा के बाई तरफ कमर पर ट्विस्ट करते हुए, अब यहां से लेके गए 1, कमर घुमाते हुए 2, और ये 3। सामने देखना है, पैर सीधे रहेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी। ये आप गिनतियां आप 8 से शुरू करके बाद में आप जितना अच्छा करने लगेंगे उतनी आप बढ़ा सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी है बॉल को कैच करना है। क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं या दूसरे गेम भी खेलते हैं, अब उसमें हम कैच पकड़ते हैं। इसमें भी यही करना है लेकिन थोड़ा सा अलग, ऊपर फेंका कैच, ऊपर फेंका कैच, एक पैर मेरा ऊपर आ रहा है, देखिए आप, ऊपर फेंका, अब बायां पैर ऊपर, ऊपर फेंका दायां, बायां, ओके। अब फिर एक बार देखते हैं पीछे, ये जैसे बॉल पकड़ रहा हूं मैं पैर ऊपर आ जा रहा है। अगर आपके घर में नहीं है तो दुपट्टा ले लो, दुपट्टे से वही चीज करते हैं अभी, कैच पीछे, कैच पीछे, कैच आगे, कैच आगे। तो इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं, 8 9 10, ये कर सकते हैं। और आपने घर में जंप करते हुए देखा है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप घर में जंप कर सकते हैं। आपको ऐसे शुरू होना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां जंप किया, फिर सेंटर में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जम करके ऊपर टच किया, फिर सेंटर में आ गए। ये आप कर सकते हैं साइड में, पहले 8 फिर दूसरी तरफ 8, दाएं 8 बाएं 8। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं घर में रहते हुए। मैंने देखिए बहुत कम स्पेस यूज किया, बहुत ही कम जगह मैंने लिए और सारा सामान जो घर में था वही लिया। आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं अपने घरों में रह के, अपनी सेहत और अपना दिमाग दोनों चीजों के लिए करके देखिए आप लोग।